हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस। तो मेरा जो चैनल है वो है DIY हेयर केयर रूटीन्स और बेबी प्रोडक्ट्स और साथ में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिव्यू के बारे में। तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है बेबी बाथ टब का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ, जैसे पैकेजिंग में रिसीव हुआ है ये। तो इस तरह से ये पैक है इसका पूरा, और इसके अंदर दो बॉक्स हैं, एक स्मॉल बॉक्स है और एक ये इतना बड़ा बॉक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। तो मैंने दोनों बॉक्सेस को बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहला जो बॉक्स है, ये वाला जो बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर हमारा बाथ टब है और इसके ऊपर प्राइस मेंशन है इसका 1200, और साथ ही साथ इस पे वार्निंग्स लिखी हुई हैं कि जब भी आप इसका यूज़ करते हो, मीन्स अगर आप इसमें वाटर डाल देते हो तो उसके बाद अपने बच्चे को बिल्कुल भी इसके आसपास या अंदर बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कम पानी में भी डूब सकते हैं। और जब इसका यूज़ हो जाए तो इसका पानी आप निकाल दें और इसको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा। और जब विंटर्स आ जाएंगी तो आप इसकी जो एयर है उसे निकाल दें और उसके साथ ही आप इसको किसी अच्छी सी जगह पर स्टोर कर लें ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में फिर से इसको यूज़ कर सकें। तो ये है इसका एयर हैमर, जिसके साथ आप इसमें हवा जो है वो भरेंगे, एयर फिल करेंगे। इधर से आप इसको हाथ से होल्ड करेंगे और नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर ऊपर खींचेंगे, और ये वाला पार्ट आपके पैरों के नीचे आपने दबा लेना है। तो इस तरह से आसानी से आप इसमें हवा फिल कर पाएंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर फिलिंग। तो इस तरह से इसे फिट कर देंगे इसके होल में, और इसके बाद जो इसका हैमर है एक तरफ से आप पैरों के नीचे दबा लेंगे और दूसरी साइड से जो इसका हैंडल है उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर इस तरह से दबाते चले जाएंगे, और धीरे धीरे इसमें जो एयर है वो फिल होती चली जाएगी, जैसा कि आप आगे देख पाएंगे। तो धीरे धीरे ये शेप में आता चला जाएगा। ये शेप होने तक आप इसको लगातार जो एयर है वो इसमें फिल करते रहेंगे। अब इसको हम पलट देंगे, तो ये देखिए ये सामने से कितनी परफेक्ट इसकी शेप जो है वो आ गई है। अब इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसकी शेप आप देख पा रहे होंगे वो अच्छे से अभी बनी नहीं है, क्योंकि उसमें हमने एयर फिलिंग नहीं की है। तो अब हम एयर हैमर की मदद से इस वाले पार्ट में भी हवा भरना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम एयर हैमर के पाइप को इसके अंदर फिट कर देंगे, और इसके बाद आप देखिएगा कि इसकी शेप कितने अच्छे से एकदम से उभर कर आती है एयर फिल करते ही। हमने इसमें थोड़ा सा पानी फिल कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे ही इज़ माई सन विराट, एंड वो कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है इस पानी में। और इसी के साथ साथ आप जितना मर्जी इसमें पानी चाहते हैं भर सकते हैं, और आई थिंक ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा अगर आप इस समर किसी भी
बेबी को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं और इसकी एज है 1.5 ईयर, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने साल तक ये चल सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।